यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक फार लूक की स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है राइट नाउ, और मिस्टर उस्मान मीर और मिस्टर अबरार अहमद, मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है, हाउ मैनी लूप्स विल इट अकर ऑन अकाउंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप स्टेटमेंट। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो फॉर लूप की स्टेटमेंट है, जब ये फॉर लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो नंबर ऑफ लूप्स की तादाद क्या होगी, ये आपने बताना है मिस्टर उस्मान मीर और मिस्टर अबरार अहमद। यू कैन डिस्कस ओवर हियर, आप आपस में बात कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू वन मिनट। आपकी आवाज ये 11 आएंगे। मुझे भी 11 ही लग रहा है। बिल्कुल 11, शोर 11 है। Yes sir, we have agreed with this loop, answer will be 11. क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं अपने आंसर को देते हुए? No sir. मुझे लग रहा है कोई जल्दबाजी कर रहे हैं। तो चलें, मैं आपको एक मौका देता हूं यहाँ पर, क्योंकि आप ये जल्दबाजी कहते नहीं है कि वो पंजाबी की कहावत है। Yes, पंजाबी में एक कहावत है, कालियां आगे टोए। Yes, तो कभी भी आप जब आंसर देते हैं तो उसे इस्तदलाल से करें कि वो क्या आपको उसका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। मिस्टर अबरार अहमद, आपके पास कॉपी है? जी सर, कॉपी है सर। आप दोनों के पास कॉपी पेंसिल है, निकालें जरा जल्दी से। यस सर। और कॉपी के ऊपर आप लोगों ने लिखना भी है और आपस में डिस्कस भी करना है। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, चलें। और आपने उस तरीके से अगर डिस्कस किया तो समझ लिया आप दोनों की लैब में जो नंबर है वो मैं 10-10 लगाने वाला हूं, दोनों के नंबर 10-10। चलो जल्दी करो। यस सर। हाँ अबरार भाई, ये ग्रेटर देन 60 है। ग्रेटर देन, तो ये तो मेरे ख्याल में इन्फिनिटी टाइम जाएंगे लूप आगे। ये तो चलती जाएगी। ये तो मिस्टर अबरार अहमद और मिस्टर उस्मान मीर, मैं यहाँ पर फर्ज करता हूँ कि आपका जवाब दुरुस्त है। जैसे कि आप दोनों कहते हैं कि ये जो लूप्स हैं यहाँ पर अक्कर होंगे, इन्फिनिट टाइम्स जो है ना लूप अक्कर होंगे यहाँ पे, तो उसके बारे में मिस्टर अबरार अहमद, सबसे पहले यहाँ पर उस्मान मीर ने ये बात कही थी कि इन्फिनिट टाइम्स ये चलेगा, तो मिस्टर उस्मान मीर क्या आप यहाँ पर जस्टिफाई करते अपने आंसर को? अगर मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूं कि आपका जवाब दुरुस्त है। यस सर। चलें बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को। सर पहले तो ये जैसे आई प्लस वन है, पहले तो हमारी वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे आई 50 के इक्वल होगा, फिर वन का इंक्रीमेंट हर लूप में होते होते 60 होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन भी 60 है, इक्वल आर 60 है। जब वो कंडीशन की स्टेटमेंट की तरफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जाएगा तो वो ग्रेटर पे भी जा रहा है, कंडीशन ट्रू है तो वो आगे फर्दर। यस सर, वो आगे फर्दर फिर यानी कि एडिशन होती रहेगी, वन की इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो 60 से ऊपर भी आई की वैल्यू चली जाएगी, 70 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, और ये चलता जाएगा इंक्रीमेंट, चलता जाएगा वेरिएबल के अंदर वन का इंक्रीमेंट होता जाएगा, होता जाएगा। अगर देखिए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यस सर। अब आप ये कहते हैं कि यहां पर ये जो है, आपने कहा कि ये जो लूप्स हैं इनफिनिट टाइम्स ये एग्जीक्यूट होंगे, आपने ये कहा? यस सर। मिस्टर अबरार अहमद, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर मैं एग्री हूं, 60 पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, उसके बाद इनफिनिट जाएगी। यहां पर मैं
यहाँ पर अगर आपकी इजाजत हो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इत्तफाक करते हैं अपने? यस सर। क्या मैं आपके इत्तफाक को लॉक कर दूं? यस सर। अभी उसकी बारी आवाज ही नहीं आई भाई की। मिस्टर अबरार यस सर कर दें कर दें। तो यार यहाँ पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आपका जवाब यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अगर देखें आई की जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है बोले? 50 सर। 50 क्या है? 50 आई की वैल्यू है 50। अगर आपकी इजाजत हो मैं यहाँ पे लिख लूं 50। यस सर। लिख लिया। अच्छा यहाँ पर कंडीशन को चेक करें आई की वैल्यू क्या है बेटा बोलो? 50 सर। 50 सर। आई की वैल्यू क्या है? 50 सर। और मैं ये जब आई की वैल्यू अगर मैं आई की जो करंट वैल्यू है जो कि 50 है इसको अगर मैं कंडीशन के अंदर लिखता हूँ तो ये कंडीशन क्या बन जाती है मिस्टर उस्मान मीर? फॉल्स सर। फॉल्स सर। अगर हम आई की जो करंट वैल्यू है जो कि 50 है उसको अगर हम कंडीशन के अंदर पुट कर देते हैं मिस्टर उस्मान मीर तो कंडीशन को कैसे रीड करेंगे आप बताएं? सर ये फॉल्स होगी कंडीशन। फॉल्स तो होगी इसको पढ़ें पढ़ के ग्रेटर देन 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये बताएं या क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? वो आगे ये लूप एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा यस सर। कंडीशन फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट लूप है क्या ये एग्जीक्यूट होगा बताए? जीरो नंबर ऑफ एक नंबर तक होगा ना। आपका जवाब गलत हो गया है यार। कोई बात नहीं ऐसा भी होता है तो चले देखते हैं। तो इसका जवाब चेक करना है कंप्यूटर जी से। कंप्यूटर जी अब आपने हमें बताना है कि क्या ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। Yes. No loop will occur.